अगर मैं विशाल आदित्य सिंह की बात करूं तो पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि विशाल आदित्य सिंह ने वो जो है एलिमिनेट हो चुके हैं पहले एलिमिनेशन टास्क में। और ऐसे में दोस्तों पिछले एक दो दिन में कुछ मीडिया पोर्टल्स के साथ उनके इंटरव्यू सामने आए हैं, और इन इंटरव्यूज को देखने के बाद तो यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एलिमिनेशन के बाद विशाल ने जो है ये इंटरव्यूज दिए हो। और इन इंटरव्यूज में बहुत शॉकिंगली विशाल ने खतरों के खिलाड़ी के अलावा बिग बॉस की बहुत सारी बातें की हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 13 करने के बाद विशाल आदित्य सिंह एक तरह से ट्रॉमा में चले गए थे, एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे। इनफैक्ट विशाल ने ये तक शेयर किया अपने इंटरव्यूज के दौरान कि बिग बॉस में इतने महीने घर में रहने के बाद जब वो घर से बाहर आए तो यूजुअली लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं क्योंकि इतने महीने उनसे दूर रहे होते हैं। लेकिन विशाल जो है उनकी फैमिली, उनके माता पिता बिहार रहते हैं, और बिग बॉस खत्म करने के बाद विशाल जो है वो बिहार गए तक नहीं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपने माता पिता से मिलने के लिए, और ना ही उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई टाइम स्पेंड वो कर पाए। और क्योंकि उसके कुछ ही टाइम बाद जब तक वो थोड़ा बहुत ठीक होने लगे थे लॉकडाउन आ गया। तो अब ऐसे में विशाल का ये कहना है, देखिए हम सभी जानते हैं कि मधुरिमा तुली के साथ जो सारी उन्हें कॉन्ट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी मधुरिमा तुली के कारण, इनफैक्ट उस शो में उसके कारण हम सभी जानते हैं कि कितना कुछ विशाल आदित्य सिंह को मेंटली और इमोशनली कितनी चीजों से गुजरना पड़ा। ऐसे में दोस्तों अब ये बात जो है वो उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं खटक रही है कि रियलिटी शोज जो है उनकी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, और इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने गवा दिया कहीं ना कहीं। नचबलिए हो गया, बिग बॉस हो गया, और अब खतरों के खिलाड़ी में भी अगर देखिए वो एलिमिनेट हो चुके होंगे तो फिर इससे ज्यादा मतलब बैड लक की बात मैं क्या कहूँ। तो लेकिन फिलहाल तो सभी यही प्रे कर रहे हैं कि वी होप दैट वो एलिमिनेट ना हुए हो। आपकी क्या राय है इस पर जरूर सामने रखें।